हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। और आज इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि आईफोन को या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन जैसे सैमसंग के जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उनको चार्ज फास्ट चार्जिंग करने के लिए आपको चार्जर के अंदर कुछ इस टाइप का पोर्ट चाहिए होता है, जिसे कहते हैं पावर डिलीवरी, क्योंकि ये बेसिक यूएसबी ए पोर्ट से चार्ज नहीं हो सकते। तो उसके लिए आपको कुछ इस टाइप के चार्जर्स लेने पड़ते हैं। इस चार्जर का बाय द वे लिंक आपको मैं वीडियो में दे दूंगा आई बटन पे, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये है गाइस कि अगर आप ऐसा कुछ चार्जर लेने जा रहे हैं तो आपको इनके लिए कुछ इस टाइप की केबल्स भी चाहिए होंगी। ये दो केबल्स हैं, लाइटिंग टू यूएसबी टाइप सी एंड टाइप सी टू टाइप सी। तो दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के अंदर, और बताऊंगा कि क्या ये केबल्स वर्थ हैं अपने प्राइस में, क्योंकि ये काफ़ी चीप हमें देखने को मिल जाती है पोट्रॉनिक्स की तरफ से। और अगर हम इनकी ओरिजिनल केबल लेने चाहें तो एप्पल स्टोर पर यही सेम केबल, अगर आप एप्पल की ओरिजिनल लेते हैं तो वो आपको कम से कम 1900 से 1800 तक की मिलती है देखने को, विदाउट इंक्लूडिंग चार्जर। और अगर आप पूरा सेट ले लेते हैं पोट्रॉनिक्स का तो चार्जर आपको 300 के आसपास देखने को मिलता है और केबल भी आपको 300 की। और ये वाली एंड्रॉयड वाली केबल तो और ज़्यादा सस्ती को देखने को मिलती है 150 रुपये की, तो खाली आपके 500 से 600 के अंदर काम हो जाता है और आप पावर पैक रेडी हो जाते हैं अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो ये 18 वॉट का चार्जर, बेसिकली ये 18 वॉट का चार्जर है एंड ये आपके फ़ोन को काफ़ी फास्ट चार्ज कर सकता है। तो चलिए चेक करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, अगर पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल शो यू। तो गाइस, सबसे पहले हम इसे खोलते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा पैकिंग हमें देखने को मिलती है। बेसिकली ये फर्स्ट केबल जो है ये नायलॉन ब्रेडेड केबल है, तो मैं आपको दिखाना चाहता था इसलिए मैंने दोनों अलग अलग क्वालिटी की ऑर्डर करी। तो लेट्स जस्ट ब्रेक दिस अप। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ब्रेक कर दिया है और ये हमें कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है गाइस, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में हमें देखने को मिलती है ये केबल। और आप देख सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी लंबी है, ये बेसिकली 1.2 मीटर्स की है, तो डिस्टेंस में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको इस केबल के साथ। तो गाइस, अब हम इसको साइड रखते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं, चेक करते हैं। ये हमें 1 मीटर की देखने को मिलती है, तो बेसिकली इन्हें खोलना बहुत ज़्यादा आसान है गाइस। आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें देखने को मिलती है कंसिडरिंग प्राइस की। इसका प्राइस 150 के आसपास है और 150 में आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल रही है, जो कि अमेजिंग है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी मानी जाती है। तो इसीलिए ये केबल अगर आपको देखने को मिल रही है, तो सैमसंग की अगर आप लेने जाते हैं ओरिजिनल वाली, तो आपको 1400 तक की तो खाली केबल ही देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से। तो गाइस, अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको शो करता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने ये केबल कनेक्ट कर दी है अपने आईफोन से। अब मैं इसको चार्ज करूँगा और आप देख सकते हो कि ये चार्ज हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी फास्ट इसे चार्ज कर देगा। लेट्स जस्ट सी कि ये कितनी जल्दी करता है इसको चार्ज। एंड ये इसको काफ़ी फास्ट चार्ज कर देगा। तो ये केबल्स काफ़ी रिलायबल हैं गाइस, आपको बस इनको प्रिसाइसली यूज़ करना है और ये काफ़ी अच्छे से चार्ज कर देगा आपके फ़ोन को। लेट्स टेस्ट द सेम विद एंड्रॉयड गाइस, क्योंकि एंड्रॉयड के साथ भी हमें चार्ज करना ज़रूरी है। तो मैं इसको एंड्रॉयड से कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं आता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने अब इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम चेक करते हैं, देखिए ये इससे चार्ज कर रहा है और ये टाइप सी टू टाइप सी है अगर आप देखें तो। सो लेट्स सबमिट अप गाइस, क्या ये केबल्स वर्थ हैं या नहीं अपने प्राइस के लिए। तो मैं कहूँगा, आई वुड से येस, दीज आर वर्थ फॉर देयर प्राइस, बट इनको प्रिसाइसली यूज़ करना पड़ेगा आपको। अगर आप इनको बहुत गंदे तरीके से यूज़ करेंगे तो, क्योंकि बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट, तो गाइस इनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर ये ख़राब हो जाती हैं फिर आपको इनको नया ही परचेज़ करना पड़ेगा। ये ओरिजिनल की तरह नहीं होती, इसलिए आपको इनको ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये साइन एंड स्टैम्प डेट है एंड हेयर आप मतलब रजिस्टर कर सकते हैं वारंटी के लिए। क्लिक अ फोटो ऑफ योर इनवॉइस रिसीव एंड व्हाट्सएप द फोटो टू दिस। और गाइस, आप आराम से मतलब इसको वारंटी क्लेम कर सकते हो। सेम पैकेजिंग गाइस आपको इसमें भी देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है इसके लिए। तो आई वुड से कि गाइस, ये चीज़ मुझको बहुत बढ़िया लगी कि ये अपने प्रोडक्ट्स के साथ ये चीज़ें देते हैं। एंड आई वुड से कि काफ़ी बढ़िया वीडियो
आई गेस आपको लगी होगी, और प्राइस को जस्टिफाई करते हुए डेफिनेटली आप जा सकते हैं वंस अगेन। तो गाइस मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट गाइस।